सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंधन बैग लूट मामले में तीन गिरफ्तार। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंधन बैंक से हुए 10 लाख रुपए लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डुमरा थाना क्षेत्र के सिमरा स्थित बंधन बैंक से 10 लाख रुपए की हुई थी लूट। इस मामले में पुलिस की छापेमारी में कुल 6 लोगों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके द्वारा बंधन बैंक लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है, जबकि एक बैंक कर्मी समेत 2 अन्य लोगों ने भी इस लूट कांड की घटना में लुटेरों की मदद की थी। बैंक कर्मी ने सहयोग किया, वहीं स्थानीय एक युवक ने लाइनर का काम किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, चरस समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। लुटेरा रंजन कुमार मोहिनी मंडल का रहने वाला है, वहीं सत्य प्रकाश मनियारी का और तीसरा लुटेरा अमरेंद्र कुमार रिवासी का रहने वाला बताया गया है। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। 23 की रात्रि को डुमरा थाना में इसको सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बाइक पर 6 अपराधी सवार होकर जो है सिवर फोर लेन के थ्रू बमला से होते हुए अरुण सैदपुर थाना क्षेत्र की तरफ कुछ अपराधी धंधा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी सूचना जो है वही पदाधिकारी को दिया गया। पुलिस अधीक्षक का निर्देशानुसार एक विशेष दल का गठन किया गया। उस विशेष दल के द्वारा जो है इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मोसर ये मोहंडी रोड के पास में जो अपराधकर्मी थे वो वहाँ देखे गए, और देखने के उपरांत जो है उन लोग का भागने का प्रयास किया गया। भागने के क्रम में एक गाड़ी जो है फिसल कर गिर गई और गिरने का 3 अपराधकर्मी उसमें से पकड़ लिए गए, और दूसरी गाड़ी से जो 3 अपराधकर्मी थे वो भाग निकले। वहाँ से 3 अपराधकर्मी से पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम एक रंजन कुमार है जो मोहनी मंडल के हैं, दूसरा अमरेंद्र कुमार है जो कि रहवासी के हैं, और तीसरा अपराधकर्मी जो कि सत्यप्रकाश सूर्य प्रकाश जो कि मनियारी पुनौरा थाना क्षेत्र के हैं। इन दोनों के पास से सर्च के दौरान कुछ बरामद भी किया गया, जिसमें से चरस है और 2 कट्टा बरामद किया गया, और फिर इनसे जो है गिरफ्तार अपराधकर्मियों से लाकर थाना पे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा जो दिनांक 2/6/23 को जो बंधन बैंक सिमरा स्थित जो बंधन बैंक है जिसमें लूट की घटना की गई थी, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। स्वीकारने के बाद पूरे गिरोह के बारे में बताया गया है कि जिसमें 6 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी, और 6 लोगों के अलावा इसमें 2 लोग और शामिल थे, जो इसमें एक बैंक कर्मी भी है और एक लोकल लाइनर जो सिमरा का है वो भी शामिल है। तो पूरा का पूरा गिरोह के बारे में इन लोगों के द्वारा खुलासा किया गया है। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।